गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों ये दिख रहा है आपको सामने, इसको हम बैठाएंगे अपनी बाइक में और फुल मज़े लेंगे हम R15M की राइड का। ठीक है तो चलते हैं। वो देख रहे सामने सीट को हमने निकाल दिया है। फ्रेंड्स हम जा रहे हैं एक लोकेशन पे जहाँ पर हम कुछ शॉर्ट्स वगैरह वीडियोस शूट करेंगे, तो तब तक आप लोकेशन का एंजॉय लीजिए। जो हमारा लोकेशन है एक छोटा सा एरिया जवाहर नगर, फाइनली हम यहां से मेन हाईवे में पहुंच जाएंगे और घर से बहुत दूर नहीं है, जस्ट 200 मीटर दूर होगा। तो दोस्तों हम ये हाईवे में पहुंच गए और दोनों साइड काम चल रहा है, 4 लेन बनने वाला है ये कुछ टाइम बाद, और ये रोड सीधे जाती है हल्द्वानी नैनीताल की तरफ, और हम इस साइड चले जाएंगे तो ये रोड जाती है बरेली की तरफ अगर बैक साइड हम जाएंगे तो। तो फ़िलहाल हमारा जो लोकेशन है वो उसी साइड है तो हम उसी तरफ जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम लोकेशन पर पहुंच चुके हैं जहां पर हम शॉर्ट्स वगैरह शूट करेंगे और यहीं पर हम रुक जाते हैं और पिलन को हमने जो बिठाया उससे भी रिव्यू ले लेते हैं कि उनको कैसा कंफर्ट लगा बाइक पे, कैसा लगा तो देखते हैं पूछ के। आपको कैसा लगा बैठ करके इसमें? बहुत अच्छा लगा आपको? बहुत कम्फर्टेबल है? हाँ पिलन बहुत मुस्कुरा रही है। और ये सीट में आपको पकड़ने की जगह नहीं मिली तो आपको डर लगा क्या? नहीं। बिल्कुल डर नहीं लगा? नहीं। तो इनको बिल्कुल भी डर नहीं लगा और लेडीज पिलन होते हुए भी इनको कुछ डर नहीं लगा, तो जेंट्स और लड़कों को तो कुछ डरने की जरूरत ही नहीं है। तो बहुत कंफर्टेबल, बहुत अच्छा, ऐसा बहुत ज़्यादा ऊँचा तो नहीं लग रहा था आपको? हाँ बिल्कुल नहीं लग रहा था। इससे पहले जो R310 थी उसमें काफ़ी ज़्यादा ऊँचा था ना वो? अच्छा R310 ज़्यादा ऊँचा था। और बाइक तो काफ़ी धुआंधार मॉडिफिकेशन हो चुकी है आप लोग को पता ही है, और हमने पिलन टेस्ट भी कर लिया और पिलन से रिव्यू भी ले लिया, तो बहुत अच्छा लग रहा है पिलन को, आराम कंफर्टेबल महसूस हो रहा है, ऐसा कोई ज़्यादा रिस्की टाइप नहीं लग रहा है। तो गाइस ये था हमारा पिलन रिव्यू, लेडीज़ पिलन रिव्यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सपोर्ट करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।